हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आईपीओ से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आईपीओ की बात करी थी कि बहुत सारे शेयर्स का आईपीओ, बहुत सारी कंपनीज का आईपीओ आने वाला है। तो उनमें से एक स्पेशल कंपनी का नाम मैंने लिखा था, तो हैप्पीएस्ट माइंड उस कंपनी का नाम है। ओके, मैंने उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी वहाँ पर दी थी। ओके, तो आज हम उसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। तो उस आईपीओ से रिलेटेड बात करने वाले हैं, क्या हमें बेनिफिट होगा या नहीं होगा, क्या क्या उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, क्या प्रॉन्स हो सकते हैं, क्या क्रॉन्स हो सकते हैं। ओके, तो हम इस सारी बातों से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम इस तरीके के बेहतरीन वीडियो आपके सामने लाते रहें। तो आइए सीधे वीडियो की तरफ चलते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। ओके, क्या करती है, क्या कैसे, क्या कंपनी है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है, बेंगलुरु बेस्ड डिजिटल आईटी सर्विस प्रोवाइडर हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। इस कंपनी जो कंपनी का काम है आईटी सर्विस से रिलेटेड है। ओके, और इसमें सबसे ज़्यादा जो रिवेन्यू इसका आता है, ओके, वो भी डिजिटल उससे आता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की दुनिया में जो सबसे ज़्यादा चल रहा है, आपने देखा होगा यूएस मार्केट में भी सबसे ज़्यादा शेयर कौन कौन से भाग रहे हैं जो डिजिटल से रिलेटेड है, लाइक एप्पल हो गया, फेसबुक हो गया, क्या किसने जोर जोर से भाग रहे हैं। तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आइए इस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका जो आईपीओ है, वो आ रहा है कल ही, तो इससे रिलेटेड हम कुछ बातें करने वाले हैं। और इसमें इस आईपीओ को लेके लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह भी है। तो आइए एक बार बात कर लेते हैं। तो वेटरन अशोक सूता, ऑन फर्म विल ओपन इट्स 702 करोड़ आईपीओ फॉर 3 डेज बिडिंग ऑन सितंबर 7, जैसे कि आज 6 तारीख है, कल 7 तारीख है। तो कल 7 तारीख से इसका आईपीओ आने वाला है, इस कंपनी का हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। इसे और डेट को याद रखना, 7 तारीख। तो ये कंपनी 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है। इससे रिलेटेड बहुत सारी हम बातें करने वाले हैं आज, अशोक सूता से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। और कितने करोड़ का आईपीओ आ रहा है, 702 करोड़ रुपये का इसका आईपीओ आ रहा है। तो आइए एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, जो ये कंपनी है अशोक सूता के, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी विल नेक्स्ट वीक लॉन्च इट्स, मतलब कल की डेट में ही इसका लॉन्च होने वाला है। जो इसका ओपन डेट है, 7 तारीख को, ये 7 सितंबर कल की डेट में ये इसका आईपीओ आने वाला है। और इशू उसका जो क्लोज हो जाएगा, 9 तारीख को ये क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 2 रुपये की होगी, और फ्रेश इशू 0.67 की होगी, और OFS ऑफर फॉर सेल में आएगा 3.56 करोड़। तो ऑफर फॉर सेल और आईपीओ में अंतर क्या होता है कि जो आईपीओ आता है उसमें जो पैसा आता है वो सीधे सीधे कंपनी के पास जाता है, और एज वेल एज यहाँ पर अगर हम ऑफर फॉर सेल की बात करें तो जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने शेयर्स को बेचते हैं। और जो पैसा आता है वो शेयर पर्टिकुलर पर शेयर जिन जिन के शेयर्स वो अपने बेचते हैं तो उनके पास चले जाता है। तो ये ऑफर फॉर सेल और आईपीओ की बात होती है, और दोनों NSE और BSE पे लिस्ट होगा, और 90 शेयर्स का एक लॉट होगा जो आपको पूरा खरीदना पड़ेगा, एक लॉट कम से कम आपको खरीदना पड़ेगा। तो देखिए, फ्रेश इशू 110 करोड़ का होगा और 592 ऑफर फॉर सेल के थ्रू आएगा। तो आइए, और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि द कंपनी अलॉट 1.9 शेयर टू एंकर इन्वेस्टर एट 166 पर शेयर। तो 165 से 166 रुपीस का इसका जो बिडिंग का प्राइस रहेगा पर शेयर के हिसाब से होगा। तो दो इसमें कैटेगरी रहेगी, 165 166। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 165 पे आप अगर लेना चाहते हैं तो 165 की जगह 166 पर शेयर के हिसाब से आप लेना, तो आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव दिख रहे हैं। आप जैसे कि यहाँ देख रहे हैं ग्रे मार्केट, ग्रे मार्केट होती है जहाँ पर आपको बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो बड़े बड़े करोड़पति होते हैं, वहाँ पर इस मार्केट में हिस्सा लेते हैं, और वही एक बार डिसाइड करते हैं कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली उस शेयर से रिलेटेड। तो ग्रे मार्केट जैसे ओला, उबर, आपने देखा होगा इसके शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं है, बट इसके शेयर्स है, वो ग्रे मार्केट में लिस्ट है, और बड़े बड़े करोड़पति ने वहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है। तो ग्रे मार्केट में जो इसका प्रीमियम दिखा रहे हैं, पर शेयर मतलब 63 से 66% हायर, मतलब अगर इस तरीके से हो जाता है,
मैं इसके कॉन्स भी बताना चाह बताऊंगा, बट इसके बताता हूँ कि अगर इस जो ग्रे मार्केट में दिखा रहे हैं कि 105 से 110 पर शेयर का आपको प्रॉफिट हो सकता है, मतलब अगर आपने 90 लॉट का एक लिया शेयर तो लगभग 63-66% का आपको एक ही दिन में प्रॉफिट आपको आ जाएगा, जैसे ये अगर आपको एक लॉट मिल जाता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये लग भी रहा है। ओके, बट इस तरीके की खबर पहले भी आई थी एक शेयर से रिलेटेड, उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो आइए एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है सेगमेंट, किस सेगमेंट में ये काम करती है, तो देखिए डिजिटल बिजनेस में लगभग 50% का जो 100% काम है उनमें से 50% काम डिजिटल इंडिया डिजिटल बिजनेस में काम करती है। एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में ये कंपनी का 22% हिस्सा है। इसके बाद प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में इनका 28% का इसमें हिस्सा दिखाई देता है। ओके, तो इस कंपनी ये काम करती है और आपको बताना चाहता हूँ लगभग 142-153 कंट्रीज़ में इनका इनके कस्टमर्स हैं, तो काफ़ी बड़ा इनका कस्टमर बेस भी है, तो अच्छी कंपनी है, कंपैरेटिवली अच्छी दिखाई दे रही है। तो रिवेन्यू की बात कर लेते हैं तो देखिए 2018 में 463 करोड़ रुपीस का रिवेन्यू था, फिर उसके बाद 590 हुआ, 698 हुआ, और ये क्वार्टर वन का है केवल, ये ईयर टू ईयर बेस था, ये क्वार्टर वन का है, तो 177 करोड़ रुपीस का इनका रिवेन्यू। और प्रॉफिट की बात कर लेते कंसेक्यूटिव ईयर्स में तो देख लीजिए 2018 में माइनस में इनका प्रॉफिट था, ओके, बस 19 में 14 करोड़ रुपीस का, फिर 72 करोड़ रुपीस का, और लगभग अभी एक ही क्वार्टर में 50 करोड़ रुपीस का इनका प्रॉफिट है। ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पिछले 2 साल से कंपनी बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट भी पेश कर रही है, और एक कॉन्स भी है इस कंपनी का। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस चीज़ के बारे में भी कि लगभग 33% के शेयर्स इन कंपनी ने प्लेस कर रखे हैं। प्लेस मतलब आप कर्ज कर्ज लेके ही इन कंपनी शुरू करी थी इन कंपनी को, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 30% का इनके पास प्लेस है। ओके, लगभग 40 करोड़ रुपीस का इनके पास लोन है, तो इस वजह से जो IPO आ रहा है तो इनके प्रमोटर्स ने कहा है कि जो इनका प्लेस शेयर्स है वो IPO के थ्रू हटा देते हैं। द कंपनीज मैनेजमेंट हैव सेड इट वुड रिमूव द प्लेस अलॉन्ग विद द IPO, तो जो IPO से जो पैसा आएगा ओके, तो वो पूरा का पूरा कर्ज अपना वहाँ से हटा देंगे और डेट फ्री कंपनी एक कर देंगे, तो और ये प्लेस जो शेयर है ओके, वो प्लेस शेयर इनका हट जाएगा। तो ये इस कंपनी का प्लान है, इस वजह से ये IPO भी ला रही है। और अशोक सूता की बात की जाए तो अशोक सूता के बारे में आपको बता देता हूँ, जो इनके शेयर होल्डर्स है ये पहले वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे विप्रो कंपनी के। विप्रो कंपनी आपको पता ही है कि क्या कंट्री है, सॉरी विप्रो कंपनी IT कंपनी से रिलेटेड कंपनी है, तो इस वजह से वो 15 साल उन्होंने वहाँ पर एज ए वाइस प्रेसिडेंट काम किया है। इसके अलावा इन्होंने एक अपना एक कंपनी इसके विप्रो से रिज़ाइन देने के बाद माइंडट्री एक कंपनी थी उन्होंने लॉन्च करी, इसके बाद आज ये हैप्पीएस्ट कंपनी, तो हैप्पीएस्ट माइंडट्री लगभग 2011 में आई थी, बट इसका IPO आज कल की डेट में आपको मार्केट में दिखेगा। तो काफ़ी अच्छा इनका एक्सपीरियंस है, तो इस वजह से काफ़ी अच्छा आपको ये शेयर दिखाई दे रहे हैं, इसी ग्रे मार्केट में दिखाई दे रहा है कि 63-67% का आपको शायद बहुत अच्छा, अगर कुछ नेगेटिविटी ना हुई मार्केट में ड्यूरिंग दैट पीरियड तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो मोर देन 77% ऑफ द टोटल रिवेन्यू कम्स फ्रॉम द US। ओके, तो जो इनका रिवेन्यू है वो 77% US से आता है, while the rest comes from India, UK and other countries। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मतलब वो 114 के कस्टमर्स हैं, ओके, तो US में का से आता है इनका लगभग लगभग 77% जो रिवेन्यू है केवल US से आता है, और रेस्ट जो 23 है वो UK अदर दूसरी दूसरी कंट्री है, जो कनाडा हो गई, UK हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई और इंडिया हो गई, यहाँ से इनका रिवेन्यू बनता है। तो बहुत अच्छी कंपनी है आपको प्रोवाइड कर रही है। ओके, द IT सर्विस प्रोवाइड हैड 148 एक्टिव कस्टमर, जैसे कि मैंने आपको बताया था 142-156 ऐसा कुछ कस्टमर्स है, तो इन 148 इनके एक्टिव कस्टमर्स है एज ऑन जून 30, तो जो 30 तारीख तक इनके इतने कस्टमर भी है। तो काफ़ी अच्छा शेयर ये आपको दिखाई देता है। अशोक सूता के बारे में ऑलरेडी बताया है, विप्रो के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एज वेल एज माइंडट्री IT कंपनी थी,
उसको उन्होंने लॉन्च किया है आज कल की डेट में। ये इसका भी आईपीओ लॉन्च करने वाले हैं, बड़े शेयर होल्डर्स भी हैं कंपनी के पास, 30% के प्लेज है शेयर्स। दिस इज़ द रीज़न कि वो आईपीओ के थ्रू उसे पूरा का पूरा रिमूव कर देंगे। तो कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रही है। 2018 में उनका प्रॉफिट था, 2019 में प्रॉफिट था, 2018 में नेगेटिव था, 1920 में आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखाई दिया, और 2021 का फर्स्ट क्वार्टर में भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई दिया। तो देख लेते हैं कल ये की डेट में ये आ जाएगा, 7 से 9 तारीख तक ये आपको दिखाई देगा। ओपन रहेगी इसकी विंडो, और 10 बजे से लेके 5 बजे तक इसका विंडो ओपन रहेगी। तो आप कभी भी जाके इस शेयर इसे खरीद सकते हैं। एक लॉट पूरा खरीदना पड़ेगा, 90 शेयर्स का एक लॉट होगा, ओके, लगभग 14,900 समथिंग रुपीज़ का होगा। तो कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। 165 to 166 पर शेयर के हिसाब से आपको ये शेयर प्राइस ने फिक्स किया है। बट आपसे मैं कहूँगा कि 166 पर बिड करिएगा, 165 पर मत करिएगा, क्योंकि लोग जो 166 पे करेंगे वो ही उन्हें ही मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और रिटेल इन्वेस्टर के लिए केवल 10% ऑफ ये जो ऑफर फॉर सेल और ये आईपीओ जो इन्होंने लाया है, केवल 10% ही इन्होंने रखा है। बाकी जो इनके बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, ओके, नॉन इंस्टीट्यूशन लोग हैं, उसके लिए 15%। अगर 2 लाख से ज़्यादा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ओके, बड़ी क्वांटिटी में उठाना चाहते हैं, तो फिर उसमें रिटेल कस्टमर की जगह नॉन इंस्टीट्यूशन में आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि 702 करोड़ रुपए का आईपीओ होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ। और सूता मिस्टर सूता वाज वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ माइंडट्री बिफोर ही लेफ्ट टू स्टार्ट हिज दिस वेंचर, ओके। तो वो माइंडट्री के भी को फाउंडर रह चुके हैं। इसके अलावा विप्रो में भी उन्होंने काम किया है 15 साल एज ए वाइस प्रेजिडेंट। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, आपने कहा कि जीरोधा का अकाउंट है, तो जीरोधा में आप अकाउंट में जाके वहाँ पर कंसोल का ऑप्शन होगा, कंसोल में आईपीओ है, आईपीओ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। फिर इसके अलावा आप वहाँ पर 166 के हिसाब से जो एक बिड पूरे 90 शेयर्स का जो आपको मिनिमम क्वांटिटी लेनी पड़ेगी वो आप करेंगे, तो 14,900 समथिंग रुपीज़ का आता है। तो ये आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये यूपीआई से आपका अटैच होगा, आपके पास गूगल पे होगा या फ़ोन पे होगा या फिर भीम ऐप होगा। तो वहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, और सिलेक्ट करने के बाद आपका मैंडेट आप वहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। तो अगर गूगल पे से किया है तो गूगल पे पे आप जाइएगा, तो वहाँ यूपीआई मैंडेट ऑन योर फ़ोन के में एक आ जाएगा, एक ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा, तो वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में फ्रीज हो जाएगी। आपको डीमैट में अकाउंट में पैसे नहीं रखने हैं, पहले ही बता देता हूँ, आपके अकाउंट में रखने हैं, और अकाउंट में फ्रीज हो जाएगी जो आपके जितने 14,900 समथिंग। और फिर उसके बाद जब ये अगर आपको मिल गया, ओके, 17 तारीख को ये लिस्ट हो जाएगा, अगर आपको मिल गया उस दिन, तो समझ लीजिएगा कि आपके अकाउंट से वो पैसे कट जाएंगे, आपके डीमैट में वो दिखा देगा, और अगर नहीं कटा तो आपके पैसे उसी दिन वापस आ जाएंगे। तो प्रॉफिट का बात की जाए तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 2018 में, ओके, नेगेटिव में थी ये कंपनी। फिर 2019 में 129.8 मिलियन रुपीस का प्रॉफिट था, और 736.1 मिलियन रुपीस का इनका 2020 के में इनका फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट था। तो काफ़ी अच्छा ये दिखाई दे रहा है, ओके। तो इसके कॉन्स की बात कर लेते हैं एक बार। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी आपको, अगर आपको देखी हो तो, SBI कार्ड वर्सेस SBI कार्ड्स IPO वर्सेस रोजरी बायोटेक IPO, ओके। तो इसमें हुआ क्या था, आपने अगर वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखी होगी तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा मेरे चैनल पे, SBI कार्ड IPO वर्सेस रोजरी बायोटेक IPO। तो इसमें ऑलरेडी हुआ क्या था कि SBI कार्ड का IPO आया, ओके, बहुत अच्छा इसका, आज भी देखेंगे तो अगर बहुत फ्यूचर के हिसाब से बहुत बेहतरीन कंपनी है। आज भी 800 प्लस के में ये कंपनी ट्रेड करती है आज की डेट में भी। और रोजरी बायोटेक भी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, केमिकल से रिलेटेड कंपनी है। तो SBI कार्ड्स IPO जब आया था तो इसका ग्रे मार्केट, जैसे कि मैंने अभी बताया था ग्रे मार्केट, तो ग्रे मार्केट ने कहा था कि काफ़ी अच्छा आएगा धीरे धीरे, और जैसे ही पेंडेमिक की सिचुएशन आई और ग्रे मार्केट ने कह दिया कि नहीं अभी ये बेकार होने वाला है, इतना प्रीमियम नहीं आएगा इसका। और फिर ये जब SBI कार्ड लिस्ट हुआ तो ये आपको लिस्ट बहुत 650 आई थिंक या 600 और 700 के बीच में आपको लिस्ट होते हुए दिखाई दिया था, तो लोगों को वहाँ पर नुकसान हुआ था, तो आपको लिस्टिंग गेन नहीं मिल पाया था,
ओके, बट रोजरी बायोटेक के हिसाब में जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तो 400 समथिंग का ये शेयर के हिसाब से लोगों ने लिया था, और लगभग लगभग 700 समथिंग पे ये लिस्ट हुआ था, और लोगों को काफ़ी बेहतरीन, जिसे कहते हैं ना, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट मिला था, लिस्टिंग गेन मिला था, ओके, और लोगों ने अपना पैसा काफ़ी अच्छे तरीके से उस दिन कमाया था। तो इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इस हैप्पीएस्ट माइंड के हिसाब से जाना चाहते हैं, ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 7 तारीख से शुरू हो रहा है, 17 तारीख तक आपको बीच में ये 10 और 11 दिन है। तो इस अगर मार्केट सही रही, एवरीथिंग विल बी, अगर ओके, अगर ये सब कुछ ठीक होगा तो आपको लिस्टिंग गेन बहुत अच्छा मिल जाएगा, ओके। बट अगर मार्केट में कुछ हुआ, जैसे कि अभी इंडिया चाइना का वॉर हो रहा है, ओके, डो जोन्स आपको पता है कंटिन्यूसली गिर रहा है, इसी वीक दो दो बार हमारी मार्केट काफ़ी बेहतरीन तरीके से गिरी भी है, ओके, अगर ऐसा कुछ न्यूज़ आई तो लिस्टिंग गेन आपको नहीं मिलेगा, फिर वो नीचे ही खुलेगा, जैसा कि लास्ट टाइम SBI कार्ड में हुआ था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से जैसे कि हमने देखा है इसका परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस ये दे रही है, 2019 में भी प्रॉफिट, 2020 में भी प्रॉफिट, ओके, तो अगर इस तरीके से कंपनी चल रही है तो लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। और मैनेजमेंट की ताकत मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अशोक सूता साहब बहुत अच्छा है, इनके मैनेजमेंट है इनका, तो आप इस पर भी ध्यान दे सकते हैं। अगर आपको लिस्टिंग गेन होता भी नहीं है, अगर कुछ मार्केट में होता है और नहीं हो पाता, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी रखेंगे तो मुझे लगता है कि ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन प्रतीत हो रही है। तो आप देख लीजिएगा, प्रोज एंड कॉन्स मैं आपको बता चुका हूँ कि SBI, अगर कुछ मार्केट में नेगेटिविटी हुई तो ये लिस्टिंग गेन नहीं मिल पाएगा, फिर नीचे की तरफ ही ये ओपन होगा। बट अगर मार्केट अगर सब कुछ अच्छा चलेगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 63 से 66% तक का, ओके, यहाँ पर ग्रे मार्केट में दिखा रहा है, ओके, तो 105 से 110 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो काफ़ी बेहतरीन आपको प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा अगर सब कुछ अच्छा हुआ। तो मैं वही दोबारा बताना चाहूँगा, 106 रुपये के हिसाब से, 166 पर शेयर के हिसाब से आप बिड कर सकते हैं, ओके, आपके अकाउंट में फ्रीज हो जाएगा। तो आप इस प्रॉन्स एंड कॉन्स मैंने आपको बता दिए, तो इस पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो सब कुछ अच्छा ही है, सब कुछ अच्छा दिखाई भी दे रहा है, 63 से 66% तक का इसमें प्रॉफिट आपको हो सकता है एक ही दिन में। और मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है, IPO, IT कंपनी का IPO काफ़ी टाइम बाद आ रहा है मार्केट में, ओके, तो IT कंपनी ऑलरेडी, और ये डिजिटल से इसका बिजनेस से रिलेट करता है, तो डिजिटल आगे चल के काफ़ी बढ़ने वाला है, IT कंपनी हमेशा आगे बढ़ने वाली है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देके, अगर आप लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी है, ओके, और लिस्टिंग गेन के हिसाब से नहीं आ रहे, लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, तो डेफिनेटली कभी खरीद लीजिए, और फ्यूचर में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट 5 से 10 साल में आपको होता हुआ नजर आएगा। तो ये सारी बात थी, नेगेटिविटी भी बता दी, पॉजिटिविटी भी बता दी, प्लस शेयर है तो वो सारे के सारे ये अपने IPO से ख़त्म कर देंगे। तो यही दैट्स इज, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी नॉलेज अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि मैंने आपको सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी हो, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो को और SBI कार्ड IPO वर्सेस रोजरी बायोटेक IPO एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको एक आइडिया भी लग सके, ओके। तो दैट्स इज ओके दोस्तों, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों फैमिली के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।